दोस्तों अगर आप चाहते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया को वनडे मैच में हराए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 17 मार्च से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में टीम इंडिया रोहित शर्मा के बिना मैदान पर उतरेगी। बता दें कि 17 मार्च को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले एक दिवसीय मैच में रोहित शर्मा भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या करेंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। दरअसल बीसीसीआई ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तब रोहित शर्मा का नाम शामिल नहीं था। वहीं बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि वह पारिवारिक कारणों की वजह से पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि रोहित शर्मा अपनी पत्नी रीतिका सचदेह के भाई कुणाल सचदेह की शादी में शामिल होने की वजह से पहला वनडे मैच नहीं खेलेंगे। दरअसल कुणाल मेकअप आर्टिस्ट निशा शाह के साथ सार फेरे लेंगे। इस फंक्शन को रोहित शर्मा अटेंड करेंगे। हालांकि वहीं दूसरे वनडे के लिए वह भारतीय टीम से जुड़ेंगे जो 19 मार्च को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की जगह टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि वह पहले भी टीम इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। हालांकि उन्होंने भी T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए कप्तानी भूमिका निभाई है, लेकिन वह पहली बार वनडे टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या विराट कोहली को वनडे की कप्तानी का मौका देना चाहिए था या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।